संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। इस वक्त हम मौजूद हैं गोलकीपर सविता पूनिया, उनके घर हैं, उनके चचेरे भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि शुरुआत है वो अच्छी थी, पहले ही दो मिनट में एक गोल हो गया था, लेकिन जिस तरह से आगे अर्जेंटीना की जो टीम थी उन्होंने भी एक गोल किया और जो है खुशियां हैं शुरू में जो खुशियां थी, लेकिन जो है अंतिम चरण तक जो है निराशा वो देखने को मिली। और जो हमारे साथ रिएक्शंस के लिए सविता पूनिया के, हम उनसे चर्चा करते हैं किस तरह से पूरा परिवार मैच देख रहा था। हालांकि शुरुआती दौर अच्छा था, लेकिन अंतिम दौर में जो है निराशा हाथ लगी, अब क्या उम्मीद की जा रही है? उम्मीद सर यही है भी, अब चलो आज हम यही कह सकते हैं भी इंडिया टीम के लिए लक नहीं था, आज हमारा दिन अच्छा नहीं था, हाफ टाइम तक बिल्कुल सही था जी। और हम आगे यही करें, शुभकामनाएं यही है भी हमारी टीम ब्रॉन्ज जरूर लेके आए, यही है। अब उनका जो और मैच होने हैं वो अभी बाकी हैं, उनसे पता लगे कौन सी टीम के साथ है। तो क्या क्या उम्मीद पहले की जा रही थी गोल्ड्स की, लेकिन जिस तरह से टीम का प्रदर्शन को किस तरह से देखते हैं आप, सविता पूनिया के प्रदर्शन को किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हुआ था उसमें आपने सभी ने देखा बहुत अच्छा प्रदर्शन था, और आज भी बहुत अच्छा प्रदर्शन है पूरी टीम का, पूरी टीम बहुत अच्छे से खेली है, पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारा लक आज काम नहीं किया, हमारे लक ने, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा हार का सामना करना पड़ा। तो यही है, हम ब्रोंज के लिए परमात्मा से यही कहेंगे भी हमें ब्रोंज जरूर दिलवाए। तो खेलों में जैसे हार जीत कोई मायने नहीं रखती, हालांकि बड़ा इवेंट था बड़ी, तो आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, हार जीत तो देखो दो पहलू हैं, सिक्के के दो पहलू हैं, उसमें हार और जीत होगी, किसी एक टीम को तो जीतना है, एक टीम को हारना है जी। पर हमारी उम्मीद थी गोल्ड की जी। वो हमारी थोड़ी उम्मीद कम हो गई, अब चलो ब्रोंज से हम संतुष्ट हैं। तो ये थे हमारे साथ सविता पूनिया के चचेरे भाई, जिन्होंने कहा कि उम्मीद गोल्ड की जा सकती थी, लेकिन जो है उनकी उम्मीद है वो करेंगे। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सविता पूनिया के घर इस वक्त हम मौजूद हैं। हालांकि मैच में निराशा हाथ लगी है, क्योंकि जो शुरुआती दौर था मैच का वो काफ़ी अच्छा था, हाफ टाइम तक जो उम्मीदें की जा सकती थी कि गोल्ड है वो ले लेगी इंडिया की टीम, लेकिन जो है अंतिम दौर तक जो है निराशा हाथ लगी। हालांकि खेल में जो है हार और जीत है, एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन अब भी उम्मीद है कि ब्रॉन्ज मेडल है, इंडिया टीम जरूर जीतेगी। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दिए इंडिया टीम के लिए कि उन्होंने किस तरह से प्रदर्शन किया, किस किस तरह से जो है टीम ने प्रदर्शन किया, सविता पूनिया का प्रदर्शन किस तरह से रहा, तो आप अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।